हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज आपके सामने डिफरेंशिएशन सीरीज़ के सेवन्थ लेक्चर में बात करेंगे चैन रूल, या इसे बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। कहने का मतलब यह है कि जब हमें कोई भी ऐसा फंक्शन दिया हो कि फंक्शन में फंक्शन इंक्लूड हो या इन्वॉल्व हो, तो इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशियल फाइंड करने के लिए हम चैन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चैन रूल को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन इफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ यू से इसे हम कह सकते हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ यू, वेयर यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, और u जो है वो x का फंक्शन है, उसे हम कह सकते हैं u इक्वल टू g ऑफ x, देन y इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन और अ कंपोजिट फंक्शन। कहने का मतलब यह है कि जब किसी कोई फंक्शन किसी तीसरे फंक्शन का फंक्शन हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, और जब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम चैन रूल अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए वाई इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, या कह सकते हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ यू ऑफ जी ऑफ यू। वाई जो है वो यू का फंक्शन है, यू जो है वो एक्स का फंक्शन है, तो इस तरह के फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, और इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव फाइन करने के लिए हम चैन रूल अप्लाई करते हैं। चैन रूल होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू अपॉन डी एक्स, या अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy by dx equal to dy by dt into dt by dx। तो देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy by dx equal to dy by dx ही बचेगा। या अगर तीन दो से ज़्यादा फंक्शन में इन्वॉल्व हो, तो होता है dy by dx equal to dy by du plus into du upon dt into dt upon dx। तो देखो इसमें भी आप du से du कट जाएगा, dt से dt कट जाएगा, क्या बचेगा, dy by dx ही बचता है। तो इस तरह को हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को दो या दो से ज़्यादा फंक्शन में तोड़ करके डिफरेंशिएट करके डीवाई बाई डीएक्स फाइंड करते हैं। इस प्रोसेस को हम चैन रूल बोलते हैं। आइए हम क्वेश्चन लेके इसे और क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, चैन रूल से भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट जो है कर सकते हैं। दोनों मेथड से आपको करा के दिखाएंगे, यहाँ पे आपको जो मेथड ईजी लगे आप उसको एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर लिख लिया, लेट गिवन क्या है हमारा, y इक्वल टू लॉग साइन एक्स। अब हम साइन एक्स को अगर t मान लें, लेट साइन एक्स इक्वल टू t, देन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू लॉग t। अब देखो y क्या है, t का फंक्शन है, और t किसका फंक्शन है, x का। तो इसमें हम सबसे पहले dy बाई dt फाइन करेंगे, तो dy बाई dt फाइन करने के लिए क्या हो जाएगा, d अपॉन dt ऑफ लॉग t, लॉग t, लॉग t का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन t हो जाएगा, और t आपने लेट करा है, t इक्वल टू t किसका फंक्शन है, t इक्वल टू है साइन x। तो जब इसे t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा dt टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x, साइन x का डिफरेंशियल cos x होता है। और अभी हमने आपको बताया कि जो चैन रूल का dy बाई dx का फॉर्मूला होता है, वो होता है dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो dy बाई dt की वैल्यू यहाँ पे निकाला हमने 1 अपॉन t, और dt टी अपॉन dx की वैल्यू निकाला है cos t, तो 1 अपॉन t इंटू cos t, और t आपने माना था साइन x, तो cos x अपॉन साइन x हो जाएगा, cos x अपॉन साइन x cot x होता है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो आपको हो गया चैन रूल से हमने फाइंड करना। अब इसे हम अगर शॉर्टकट से करें तो लिख सकते हैं स्टूडेंट, सेकंड मेथड सेकंड प्रोसेस से आप कर सकते हो कि लेट y इक्वल टू log ब्रैकेट में साइन x, इसका डिफरेंशियल फाइन करना है, तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ log साइन x, चूंकि साइन x को हम अलग से डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ साइन x। तो 1 अपॉन, देखो log log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है, तो log sin x का डिफरेंशियल 1 अपॉन sin x हो जाएगा, और यहाँ पे d अपॉन dx ऑफ sin x है, sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, तो cos x हो गया, तो ऊपर cos x हो गया, नीचे sin x, तो cos x अपॉन sin x होता है cot x, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप चैन रूल ऐसे लेट करके भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आप और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रॉब्लम नंबर टू। प्रॉब्लम नंबर टू में है स्टूडेंट कि डिफरेंशियल करना है साइन 5x, तो y इक्वल टू साइन 5x। अब सिर्फ x नहीं है तो 5x को t मान लीजिए, तो लेट 5x इक्वल टू t, तो y इक्वल टू क्या होगा, साइन t। अब देखो y जो है वो साइन t का फंक्शन है, और t जो है वो x का फंक्शन है,
तो इसका हमें क्या निकालेंगे, बार डीवाई बाई डी टी निकालेंगे, फिर डी टी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डीवाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ डीवाई बाई डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ साइन टी, साइन टी का डिफरेंशियल करेंगे कॉस टी हो जाएगा, और टी इक्वल टू हमने 5x माना, टी का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5x, 5x का डिफरेंशियल 5 होता है, और आप जानते हैं डीवाई बाई डी एक्स चैन रूल के अकॉर्डिंग होता है डीवाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी टी की वैल्यू कॉस्ट ही आया तो कॉस्ट लिख दिया, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू 5 आया तो इंटू 5 लिख दिया, तो 5 पहले लिख लिया क्योंकि प्योर कॉन्स्टेंट है, प्योर कॉन्स्टेंट पहले लिख लिया, तो 5 कॉस और टी हमने माना था 5x, तो 5 कॉस 5x से फाइनल आंसर हो गया। अब इसी को अगर हम सेकेंड मैथड से करें तो वाई ऑफ साइन 5x का डिफरेंशियल करना है, तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स साइन 5x, और 5x चूंकि ये सिर्फ सिंगल x नहीं है तो इसे हम अलग से डिफरेंशियल करेंगे, तो इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5x, तो साइन 5x का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस 5x, और यहाँ पे 5x का डिफरेंशियल हो जाएगा 5, तो हमारा आंसर आ गया 5 cos 5x, ये आपको फाइनल आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 को टी मान लीजिए, तो हम लिखेंगे पहले लिखेंगे लेट वाई इक्वल टू कॉस एक्स की पावर 3 या एक्स क्यूब को हमें, हाँ एक्स क्यूब को टी मान रहे हैं इसको, तो लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो वाई इक्वल टू कॉस टी हो जाएगा, तो पहले हम डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, तो डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस टी का डिफरेंशियल माइनस साइन टी होता है, उसके बाद टी का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 क्योंकि हमने एक्स क्यूब को टी माना है, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल एक्स की पावर एन के फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब हम डीवाई बाई डी एक्स चैन रूल का फॉर्मूला लगा देंगे, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डीवाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी टी की वैल्यू आया माइनस साइन टी, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर आया है, अब टी की जगह टी की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर साइन टी की जगह एक्स क्यूब, क्योंकि टी हमने एक्स क्यूब को माना है, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसे शॉर्टकट से करना चाहें तो वाई इक्वल टू है कॉस एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशियल फाइंड करना है, तो डिवाइड बाई डी डी एक्स इक्वल टू डी पॉन्ड डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, अब चूंकि ये सिर्फ एक्स नहीं है एक्स क्यूब है, तो इसका अलग से डिफरेंशियल करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर को पहले लिख दिया तो इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि थोड़ा और आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर फाइव लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ वाई इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x + 8 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करेंगे स्टूडेंट, तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू डीवाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी हमने इसे टी मान लिया है, इसे हमने पूरे को क्या माना है टी माना है, क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ, जब से टी मानेंगे टी का क्यूब हो जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ टी क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ जिसको टी माना है, किसको माना है 3x क्यूब माइनस 5x + 8। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जो है टी क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, अब टी अपने क्या माना है टी माना है हमने ये पूरा ब्रैकेट क्या है आपका 3x³ - 5x + 8 का होल स्क्वायर इंटू, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे 3 कांस्टेंट है बाहर, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x² - 5 बाहर, एक्स का डिफरेंशियल 1, प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो यहां से बच रहा है स्टूडेंट ये 3 बाहर है, यहां से क्या है 3x³ - 5x + 8 का होल स्क्वायर, यहां से क्या बच रहा है 3 3 9x² - 5, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसे हमें शॉर्टकट से करा है। अब आपके सामने होमवर्क दे रहे हैं स्टूडेंट, 4 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया, होमवर्क आपको 6 क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आप चैन रूल अप्लाई करिए या हमने जो डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड बताया वो अप्लाई करके आप इसका आंसर फाइंड करिए। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया आपके सामने डिफरेंशिएशन सीरीज के लेक्चर 7 में डिस्कस किया चैन रूल कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसका, कोई भी कंपोजिट फंक्शन है तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं, चैन रूल क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।